छोट छोट बच्चा के द्वारा एकटा एकांकी प्रस्तुत कयल जा रहल अछि, वन्य सुरक्षा, वन के की महत्व, पेड़ पौधा के की महत्व, ई हिंदी एकांकी के द्वारा अपने सब देखब की महत्व छै जीवन में पेड़ पौधा के, यह प्रस्तुत कयल जेतै एकांकी के माध्यम सँ। तऽ हम छोट छोट पात्र परिचय पहिने करा दै छी। सबसे पहिने मुखिया जी के भूमिका में, मुखिया जी के भूमिका में और दुकानदार के भूमिका में गौरव कुमार, गौरव कुमार मुखिया के भूमिका में। अब मोहन के भूमिका में, मोहन के भूमिका में छथि सत्यम कुमार, मोहन के भूमिका में सत्यम कुमार युवक छथि मोहन के भूमिका में। चलिए निकलिए। अब मोहन की पत्नी राधा की भूमिका में, राधा की भूमिका में, राधा के भूमिका में छथि नैना कुमारी, नैना कुमारी राधा के भूमिका में। अब कुछ सहयोगी गांववासी हिनका सभक संग काज करथिन। घूरन, घूरन के भूमिका में पहला गांव वाला सुमित कुमार, घूरन के भूमिका में। पल्लू, पल्लू के भूमिका में संजीव कुमार, संजीव कुमार दोसर गांव वाला। बिल्टू, बिल्टू के भूमिका में छथि केशव कुमार, बिल्टू के भूमिका में केशव कुमार। अब महिला, एक गांव के एक महिला के भूमिका में पूजा कुमारी, पूजा कुमारी गांव की एक महिला के भूमिका में आइए। और ठेकेदार की भूमिका में, ठेकेदार के भूमिका में छथि गौतम कुमार, गौतम कुमार ठेकेदार के भूमिका। अब एकांकी के प्रारंभ कयल जा रहा है, आगू चल जाओ, एहिठाम आगू चल जाओ। अच्छा अच्छा, जाओ के पर्दा उठा। एकांकी शुरू भ रहा है, वन्य सुरक्षा हिंदी एकांकी। राधा, अरे राधा कहाँ हो? क्या कर रहे हो, कहो। क्या कह रहे हो, कहो। अरे तुम्हारे लिए तो खुशखबरी लाया हूँ, अब तुम्हारे दुख के दिन दूर होने वाले हैं। अब यह चूल्हा चौका छोड़ो और राज रानी बनने की सोचो। जरा खुलकर बताओ, क्या बात है? दूर देश से व्यापारी आया है, हमारे गांव की हरियाली उसे खींच लाई है। वह एक एक पेड़ की कीमत लाखों रुपए देने को तैयार है। हम गांव वालों ने फैसला किया है, उस व्यापारी के हाथों हम सारे पेड़ बेचकर मालो माल हो जाएंगे। हे भगवान, ये कैसी बातें करते हो? वह व्यापारी पेड़ नहीं, हमारे प्राण लेने आया है। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो वर्षा कैसे होगी, खेती कैसे होगी? चुप रहो, तुम कुछ नहीं समझती हो। भला पैसों के रास्ते हमें किस चीज की कमी? हा 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 हा
हाँ, अब सीन दो चालू हो रहा है। अरे थोड़ा जल्दी जल्दी पेड़ काटो। हाँ हाँ ठीक है, अब इन लकड़ियों को उस तक पहुंचा दो। बहुत अच्छा, ये लो अपने पैसे। ठीक है अब मैं चलता हूँ। वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। Hey, hey, otro. सावन भी गया, भादो भी गया, वर्षा की बूंद भी एक धरती पर नहीं आई। खेतों में दार फट गई है, अब बुआई संभव नहीं। अब हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। अरे क्यों चिंता करते हो? हमारे पास पैसों की कमी नहीं। चलो पास के बाजार से सभी लोग राशन पानी ले आते हैं। चलो ये लो पैसे, ये चावल दे दो, ये चावल मुझे दे दो। नहीं नहीं इससे हम ज्यादा पैसे देंगे, हमको दो। नहीं इससे ज्यादा हम पैसे देंगे, हमको दो। सत्यम इधर घूमो। हाँ मोहन आएगा, चलो हटो। मोहन अरियो राधा, कहाँ हो? ये लो थोड़े से गेहूँ लाया हूँ, जल्दी से पीस कर रोटियाँ बना दो, बड़ी भूख लगी। बस इतना ही गेहूँ? ये कितने दिन चलेगा? क्या करें, दुकान में अनाज ही खत्म हो गया। अनाज आएगा कहाँ से? गांव में तो अकाल पड़ा है, पेड़ों के न रहने से वर्षा नहीं हुई, पानी की कमी से खेती भी नहीं हुई।
बहस मत करो, ऐ लड़का जाओ कुएं से पानी लाओ, बड़ी प्यास लगी है। ए चड़ो सत्यम उठो, पहले पानी मुझे भरने दो, नहीं पहले मैं भरूंगी, नहीं पहले मैं भरूंगी। अरे कुआं तो सूख रहा है, अरे कुआं तो सूख रहा है, बस एक घड़े पानी से ही काम चलाना होगा, बस एक घड़े पानी से ही काम चलाना होगा। राधा, अरे ओ राधा, अरे पानी पिला, एक ग्लास पानी और दो, प्यास नहीं बुझी। अब थोड़ा ही पानी बचा है, खाना भी तो बनाना है। क्या कह रही हो, अभी अभी तो तुम कुएं से पानी भर के ला रही हो। बरसा न होने से कुआं सूख चुका है, लाओ पैसे से पानी। अब लाओ पैसे से पानी। हमने पेड़ काट कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, अब क्या होगा। ए छोटू, अबे नीचे आ जाओ, यहाँ जाओ, सामने आ जाओ, कल यहाँ कल एक पंचायत बुलाओ और इस समस्या का निदान खोजो। गांव में न पानी है, न अनाज, अब हमारा जीवन यापन कैसे चलेगा। अब हम सब तड़प तड़प कर मरेंगे, अब हम सब तड़प तड़प के मरेंगे। अभी भी समय है, मैं कहती हूँ हमारे पास जो रुपए हैं उससे दूसरे गांव से पौधे खरीद कर लाओ और अपने गांव को फिर से हरा भरा बनाओ। राधा ठीक कह रही है, चलो 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 पेड़ खरीद के ला, चलो चलो सभी समझ कर बोलेगा।
पेड़ लगे मैदानों में, पेड़ लगे मैदानों में, बस्ती में सुनसानों में, अब हम पेड़ लगाएंगे, जीवन खुशहाल बनाएंगे, जीवन खुशहाल बनाएंगे। धन्यवाद। इस तरह से बच्चों का यह संक्षिप्त कार्यक्रम, छोटा सा वन्य संरक्षण, ये समाप्त हुआ।